जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ आपसे। एक सेक्टर के बारे में समझना चाहेंगे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है, पर आपसे ये समझना है कि क्या ऑयल एंड गैस स्पेस में इन्वेस्टर्स का रुझान फिर से आया है? क्योंकि देखिए, जितने जो भी ग्लोबल सेटअप हम फिलहाल देख रहे हैं, लगातार क्रूड में गिरावट है और भारत इसका एक बेनिफिशरी ज़रूर साबित होता है, पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ ऑयल एंड गैस काउंटर, साथ ही पावर रिलेटेड जो थीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, कुछ दिनों से अच्छा ट्रैक्शन है, तो क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर्स डिस्काउंट कर रहे हैं और जिसके चलते ये मूव है, और आपकी राय क्या है ऑयल एंड गैस स्पेस पे? तो देखिए, ऑयल एंड गैस में जहां तक लोगों का इंटरेस्ट है, अगर आप देखें तो रेगुलेटरी लेवल पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो कि गैस सेक्टर को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, और इसके कारण गैस सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट पहले से ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा, माना जा रहा है कि हम जिस तरह से अपनी एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, उसमें गैस का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन साथ ही साथ रेगुलेटरी मेजर्स का मिला जुला असर है जो हम देख रहे हैं। रही बात प्योर ऑयल एंड गैस कंपनी की, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन या तो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी में हो या डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज में हो, इसका असर है जो पड़ा है इनके आउटलुक पे। और इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी में भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है। रही बात पावर सेक्टर की, तो मैं समझता हूं कि पावर एक मल्टी ईयर थीम है हमारे बाजार और हमारे इकोनॉमी के लिए। इस साल गर्मी में पीक पावर डिमांड जो था वो 250 गीगावाट का था, और सरकारी आंकड़े ये हैं कि 2030 में यही पीक पावर डिमांड बढ़ के 450 गीगावाट का हो जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से हमें अपनी जेनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी अगले 5 सालों में बढ़ानी पड़ेगी, और इस तरह की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी वो किस तरह की अवसर प्रदान करेगी उन कंपनीज को कि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक और भी पहलू है, वो ये कि आज जो रिन्यूएबल पावर है, रिन्यूएबल पावर का हिस्सा हमारे पावर जनरेशन में करीब करीब 30-31% का है। हमारी लक्ष्य है कि हम 2030 तक इसको 50% कर देंगे। तो ये भी एक नया डायमेंशन खोलता है पावर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों ऑयल एंड गैस एंड पावर अपॉर्चुनिटी है, और पावर सेक्टर तो कुछ मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है।